आज हम आपको कुछ सेंटेंस जो हिंदी में दिए हैं वो इंग्लिश में बनाना सिखा रहे हैं। तो देखो पहला लिखा है, पढ़ने के बाद मैं टीवी देखूंगा, ये बात कैसे बनाए। मिलने के बाद मैं घर, नाचने के बाद मैं चाय पीऊंगा, खेलने के बाद मैं सोऊंगा, खाने के बाद मैं टहलने के बाद मैं, ये वाक्य कैसे बनेंगे। तो देखो बहुत आसान है। तो देखो वाक्य की इंग्लिश होती है आफ्टर, क्या होती है? तो देखो ऐसे बनेगा, फोकस करना, आफ्टर पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग, आफ्टर पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग आई विल वॉच टीवी। वॉच माने देखना, विल आता है गागी ये वाले जैसे फ्यूचर में, तो आफ्टर रीडिंग आई विल वॉच टीवी। समझ में आया? ये पढ़ने के बाद मैं टीवी, ऐसे बोलेंगे आप अंग्रेजी में। मिलने के बाद मैं घर जाऊंगा, तो मिलने की मीट होती है और बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर, आफ्टर मीटिंग। कहाँ जाऊंगा? घर। आई विल गो होम, आई विल मतलब कि मिलने के बाद मैं घर जाऊंगा। अगला देखो, नाचने के बाद मैं चाय। अच्छा तो देखो आफ्टर, बाद की अंग्रेजी आफ्टर लाओगे, आफ्टर डांसिंग, नाचने के बाद आफ्टर आई विल टेक टी। समझ में आया? अब जब खेलने के बाद, खेलने की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले, तो आफ्टर प्लेइंग, आफ्टर प्लेइंग आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा। सोने की इंग्लिश होती है स्लीप। खाने के बाद मैं घर जाऊंगा, ले खाने की अंग्रेजी क्या होती है? आफ्टर ईटिंग, आई विल गो होम। टहलने के बाद, टहलने की वॉक होती है आफ्टर वॉकिंग, मैं गर्म पानी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक हॉट वाटर, गर्म पानी। आ गए सबको समझ में? Yes, बहुत आसान है, सबको समझ में आ गए? थैंक यू वेरी मच।